भागी भाग दो, नागरिकता किसमें, भाग दो में। दूसरी बात है नागरिकता, नागरिकता किसमें है संविधान के, भाग दो में, किसमें है, भाग दो में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद कहां से, 5 से 11। पहली बात तो क्या करना, आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में यही पूछ लेता कि नागरिकता किस भाग में, तो नागरिकता भाग दो में है। किस अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। और भारत में कैसी नागरिकता है ये देख लीजिए, भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिक, कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये बिल्कुल ऐसे नोट कर लेना है, ब्रिटेन से लिया, लिया गया ब्रिटेन से। कहने का मतलब भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में आपसे पूछा जाए भारत में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब ये है कि मान लीजिए आप भारत के हैं, भारत में एकल एकल नागरिक मतलब, जैसे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके पहले आपने पढ़ा था भाग 1 में ही। तो आप भारत के अगर नागरिक हैं तो आप इस 28 राज्य में, 8 केंद्र कहीं भी जाके रह सकते हैं, घर बना सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं कहीं भी जाके। कहने का सेंस ये है कि एकल नागरिकता का मतलब ये है कि आप जाके कहीं भी जाके भारत के किसी छोर में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कहने का मतलब भारत कैसा है, देखिए है ना ऐसे भारत, कहने का मतलब भारत में यहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भारत में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पर भी जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि इसी में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहने का सेंस ये है कि नागरिकता भाग किसमें, पहली बात समझिए, नागरिकता किसमें, भाग दो में, कहां से, अनुच्छेद 5 से 11। भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, कहां से, ब्रिटेन से, और कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। तो एकल नागरिकता मतलब ये है कि आप भारत के किसी भी छोर पे, यहां से नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, कहीं पर भी जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, यहां से किसी भी पोर्शन में आप क्या कर सकते हैं, जाके रह सकते हैं। कहने का सेंस ये है, एकल नागरिकता ये कहती है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप भारत में किसी भी स्थान पर जाके रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, आप वोट के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको संविधान पूरी क्या करता है, आज़ादी देता है। और जैसे मान लीजिए नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अब आपसे पूछा जाएगा एकल नागरिकता या नागरिकता, कोई एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से लिया गया, आपको ये याद रखना है, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता, और कैसी, कभी कभी आपसे एग्जाम ये पूछता है दोहरी नागरिकता कहाँ की, जैसे अमेरिका की, अमेरिका में क्या है, दोहरी, अगर आप स्टेट में है या केंद्र में तो आप दोनों जगह की नागरिकता लेनी पड़ती है ना, तो ठीक है। अब हम कौन से चीज़ पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5, 26 जनवरी 1950 को इस चीज़ पर और ध्यान रखना है, कब, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान में नागरिकता 26 जनवरी 1950 में जो प्रावधान के आधार पर दी गई है, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, पहला जन्म से। अनुच्छेद 5 में अगर इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त को फॉलो करता है तो क्या कहला है, भारत का नागरिक, पहला जन्म से। दूसरा क्या है, दूसरा यह क्या है, जन्म से, जन्म का मतलब है कि भारत में क्या हुआ उसका जन्म, जन्म मतलब किसी का भी, जैसे या उनके माता पिता का, या उनके माता पिता का जन्म का जन्म। और तीसरा क्या है, तीसरा यह है जब संविधान लागू हुआ, क्या है, संविधान साल पहले से भारत में रह रहा है। देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब वो 26 जनवरी 1950 के जब संविधान लागू हुआ उसमें जन्म से हो, कहला मतलब इसमें तीनों शर्त, कितनी शर्त थी, 1, 2 और 3। अगर इन तीनों शर्त में से कोई एक शर्त इसके पास है तो भारत के क्या होगा, नागरिक माना जाएगा। तो कहला क्या है, जन्म से। अगर उसका जन्म मतलब ये समझिए कि जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा वादा यहाँ पर अगर यहीं पे रह रहे हो तो
उसी आधार पर हमें क्या होगा, क्योंकि हम तो थे नहीं उस समय जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को बना, तो हमारे दादा या आजा बाबा जो भी रहेंगे किसी के भी, तो उनका जब जन्म यहाँ है तो उस आधार पर हम क्या, बस इतना जान लीजिए अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पूर्वज या दादा नाना चाचा जो भी भारत में जन्म लिए हो, भारत क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, या संविधान लागू इस चीज को माता पिता का जन्म हुआ, या तीसरी चीज क्या है, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से कहाँ रह रहे हो, भारत में रह रहे हो। कहने का सेंस ये है, कोई अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 5 में कहा गया कोई भी भारत का संविधान में नागरिकता 26 जनवरी 1950 में जो प्रावधान के आधार पर, कौन कौन से प्रावधान थे, 3 प्रावधान थे, जन्म से या उनके माता पिता का जन्म हुआ हो, या 3 संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। ठीक, तो ये किसमें क्या कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 5 में, कहने का मतलब अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कोई व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो, भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा, या तो संविधान लागू होने, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता उसके 5 साल पहले से कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, या तो उनके माता